छोड़िए बबल जी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो मैं जानता हूँ, दवाई लगवा लो। मैं खुद लगा लूंगी। क्यों, मेरी उंगलियों में कांटे लगे हैं? ऐसी आदतें अच्छी नहीं है बबल जी। आदत लग चुकी है। तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी। इच्छा चुपचाप यहाँ बैठो, दवाई लगाओ, वरना वरना क्या? वरना मैं तुम्हें बेड से बांध कर भी दवाई लगा सकता हूँ। अच्छा तो मैं शोर मचाऊंगी। मुझे मुंह बंद करना आता है। बहुत शौक है आपको मुझे मरहम लगाने का। हाँ, अब तुम मेरे परिवार के लिए चोट खाओगी तो मेरा मरहम लगाना तो बनता है ना। ओह, तो ये महज एक फर्ज है। हाँ उससे भी बढ़कर कुछ है। क्या? तुम नहीं समझो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ममता भाभी कहाँ मिली? जंगल में। जंगल में? तुम वहाँ क्या करने गई थी? अब दीदी को ढूंढने गई थी। मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि भाभी जंगल में है? अब वो मुझे एक दोस्त ने बताया। अच्छा दोस्त ने बताया? कौन, बंदर था? क्यों, बंदर दोस्त नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकते है ना, तुम्हें पता है एक बंदरिया मेरी भी दोस्त है। मैं गिरता हूं तो वो संभालती है, मैं चिढ़ता हूं तो वो बनाती है, चिढ़ाता हूं तो वो घुराती है, और आज पता चला कि वो मेरे अलावा और लोगों से भी लड़ती है। चल जाके शिव जी के सामने दिया जला दे, ममता को होश आ गया। दादी तो चिंता मत कर, तेरी बहू को होश आ गया है। खड़क बोलने दे इसे, कुछ बातें बार बार सुनने में अच्छी लगती है। ममता बेटा अब कैसा लग रहा है? आप कौन? आज ये पूछ रही है आप कौन, कल को ये पूछ रही है डबल और अप्पू कौन, और परसों ये पूरे घर को नहीं पहचानेगी। अम्मा जी ये घर तो बहू के होते हुए भी बिना बहू के रह जाएगा, बताओ। अरे तू बात से ठोकना बंद कर। अरे जानने तो दे बात क्या है। ममता बेटी आप कौन? अरे माँ इसने तो मुझे भी ना पहचाना, विश्व के सबसे श्रेष्ठ पहलवान को भी नहीं पहचाना। ममता आप कौन? भाई भाभी की सुई तो आप कौन पे आके अटक गई है? अरे ममता मैं तेरा पति प्रबल, समझदार, होशियार। बस बस, अरे भाई नाम बता दिया बस काफी है, बाकी की खूबी मत बता, नहीं तो बेचारी किसी और को जाके ढूंढेगी। ममता बेटी ये तेरा पति है प्रबल और मैं तेरा ससुर। आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसी बात कर रही है ममता, सबल मैंने इसके लिए गाना गाया, इसको ढूंढने के लिए पूरा गांव छान मारा और ये मुझे ना पहचान रही। भाई आप चिंता मत करो भाई, मुझे ट्राई करने दो, भाभी मुझे जरूर पहचान जाएगी। वो कैसे बताता हूं, ये भी भुलक्कड़ मैं भी भुलक्कड़, तो हुए ना हम दोनों एक जात के। बस एक बार ही अपने देवर को पहचान ले, उसके बाद हल्के से आपकी भी इनसे पहचान करा देंगे। आप अभी कैसी हो आप?
आप कौन है? अरे भाभी अपने डायलॉग को चेंज करो, बोलो आप मेरे देवर हो, बोलो 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 बोलो। माफ करना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आजा आजा इधर आजा, नहीं तो तेरी पहचान बुला दूंगा। हमारा जी घबरा रहा है, तू जा जाके डॉक्टर को बुला के ला। हाँ माँ। जल्दी आजा, मेरी बहू को ठीक कर दीजिए आप बस। मम्मी मैं जानता हूँ कि आप सबको भूल सकती है लेकिन मुझे नहीं। प्लीज याद करने की कोशिश करो, मैं आपका बेटा अप्पू हूँ। तुम कौन हो? डॉक्टर साहब ममता किसी को ना पहचान रही है, आप देखिए ना क्या हुआ इसे। कौशल्य जी मुझे लगता है गहरे सदमे और चोट की वजह से इनकी याददाश्त चली गई। लगता है ममता अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए किसी को पहचान नहीं पा रही है। मुझे भी नहीं पहचानेगी, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी सुरक्षित हूँ। इसका मतलब डॉक्टर साहब अब ये हम सबको कभी भी ना पहचान पाएगी। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। डॉक्टर साहब इसका कोई तो इलाज होगा? देखिए ये दिमागी बीमारी है, ये कब तक ठीक होंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसकी ठोस दवाई भी नहीं है। आप सब लोगों को मिलकर इनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी होगी, इनके जिंदगी के छोटे छोटे वाकियात इन्हें याद दिलाने होंगे। तो शिक्षा ने ममता को तो बचा लिया, अब देखना ये कि ये इच्छाधारी नागिन इस इंसानी बस्ती में किस मकसद से है। तुम यहाँ मेरे कमरे में? बस देखने आई कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब ममता दीदी को बचाने के लिए तुमने जो किया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी नहीं कर पाता। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अच्छा तुम्हें कोई ज्यादा चोट वोट तो नहीं आई ना? अगर आई है तो बताओ, दवाई लगा देती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है। वैसे वो लोग थे कौन जो ममता दीदी को उठा कर ले गए थे? ऐसे लोगों का कोई नाम नहीं होता अमृता, बस बुरे लोग थे। ये भी ठीक है, अब इंसानों की बस्ती में इच्छाधारी नाग थोड़ी ना होंगे। ये इच्छाधारी नाग कहाँ से आए बीच में? वो बचपन में किस्से कहानियों में सुना था तो वो याद आ गया। ये बातें किस्से कहानियों तक ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं होता। ऐसा मत कहो इच्छा, कहानी कब हकीकत बन जाए कोई नहीं कह सकता, ना तुम ना मैं। अपना ख्याल रखना, चलती। और हाँ अच्छा, आजकल जमाना बहुत बुरा है, दुश्मन सामने होता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। लग जा गले गले। ये हुआ छोरी, तू चिल्लाई क्यों? ये हुआ बेड, बेड के पीछे भूत है। भूत है? कहाँ है? अरे बावली मैंने अपने गले लगने के लिए कहा था, कहाँ दादी के गले लग गए।
के बात कर रही है? मैं भूत कैसे हो सकूं? अगर मैं भूत होता तो पिताजी भूत होते, बबल सबल भूत होते, दादी भूत होती। के कहा तूने? ना ना, दादी कैसे भूत हो सके? दादी तो चुड़ैल होती है ना दादी? चुड़ैल होती तो सबसे पहले तुझे खाती। दादी को चुड़ैल बोलता बावले? फालतू में छोरी को डरा दिया। तू कर क्या रहा था इसके कमरे में? अरे दादी, इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे डरा के? अरे दादी, बड़े बड़े लोग कह गए हैं, जो डर गया सो मर गया। अरे जब डरने से मौत आ सके तो याददाश्त कौन सी बड़ी चीज है? जिंदगी में कुछ चीज बदली ना जा सके, तू इसकी आदत डाल ले। आ गया तू? हाँ, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने एन वक्त में मुझे लड़ाई से हटने के लिए क्यों कहा? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे सवाल पसंद नहीं है? मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उस नागिन को मारना चाहता था। मारना नहीं है उसे, जिंदा रखना है, तब तक जब तक वो हमें नागिस्तान नहीं पहुंचा देगा। आपको यकीन है कि वो नागिस्तान की ही नागिन है? विशैली की नजर और विशैली का जहर कभी दगा नहीं देते। इच्छा की अच्छाई इस बात का सबूत है कि वो नागिस्तान की नागिन है। लेकिन विशैली, अगर वो इतनी अच्छी है तो आपको नागिस्तान का पता नहीं बताएगी? ये सिर्फ इशारा है, अगली बार मेरी बात काटी तो जला के राख कर दूंगी। इसे देख रहा है तू? ये नागमणि है। कई साल पहले हमने इसे नागिस्तान वालों से छीना था। बस किसी तरह ये नागमणि इच्छा तक पहुंच जाए, वो इस नागमणि को लौटाने नागिस्तान जरूर जाएगी, और उसके पीछे हम, और फिर मचेगा नागिस्तान में विशैली का आतंक। सुन, तूने इच्छा को देखा क्या? वाह बबल बेटा, पूरा का पूरा मैदान खाली। यार किसी ने सही कहा है, एक बार प्यार करना सीख जाओ ना तो फिर भगवान भी साथ देता है। अरे छोरा। जी जी जी, जी दादी। छोरा तू डॉक्टर के पास जाने वाला था, गया? जी दादी, गया ना। के कहा डॉक्टर ने? भूल दिया। के? मेरा मतलब है कि डॉक्टर ने भाभी की दवाइयां बदल कर दी है, तो वही देने जा रहा हूँ मैं। लेकिन अभी तो तू कह रहा था कि फूल दिया। फूल नहीं दादी, फूल फूल यानी पूरी की पूरी। डॉक्टर ने कहा है नई दवाइयां खाने के बाद ना भाभी की याददाश्त पूरी की पूरी वापस आ जाएगी। क्या हुआ दादी? आप देख छोरा, तू इस घर में सबसे सयाना है, अपनी तबीयत का ख्याल रखियो कि दूसरों की तरह तू बावले मत बन जाना। ओ हेलो, क्या है? कुछ लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या लाए हो? बकरी? क्यों, मैं बकरी के अलावा कुछ ला नहीं सकता? हाँ ला सकते हो ना, भैंस। हमारे लिए फूल लाया हूँ। अच्छा
ये मेरे लिए लाए थे या बकरी के लिए लाए थे? इतना हंसने की जरूरत नहीं है, दिल से नहीं लाए थे ना, इसलिए बकरी खा गई। तुम्हें जानना है मेरे दिल में क्या है? अरे ओ छोटे छोटे, अरे ओ छोटे। अरे हाँ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? अरे कहाँ घूम रहा तू? छोटे एक बात बता कि ये याददाश्त जाती कैसे है? याददाश्त किसकी गई है? अरे तेरी भाभी की, भूल गया तू? अरे छोटे बताए ना, मैं बहुत परेशान हूं। मैं चाहता हूं तेरी भाभी को सब याद आ जाए। तेरे पास कोई तरकीब है क्या? भाई अब चाहते हो कि भाभी की याददाश्त वापस आ जाए ना? हाँ। तो आप एक काम करो। क्या? आप ना अपने दिल में एक लकड़ी का दरवाजा बना लो। उससे क्या होगा? उससे भाभी की गई भी याददाश्त आपके दिल में वापस आ जाएगी। वो कैसे? अरे आपने वो गाना ना सुना के, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। हाँ। अरे क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। चल आजा, जल्दी से कारपेंटर को बुलाते हैं। हाँ। पर एक बात है छोटे, तेरे जो पुराने गाने हैं ना, इससे आइडिया बड़े अच्छे आते हैं। मैं जानता हूँ, आओ चलो। चला जा। इच्छा, इच्छा, चुप रह। अरे इच्छा कहाँ चली गई? चुप कर, पूरा घर सर पे उठा लिया तूने, क्या बात है बता? अजी इच्छा आवाज नहीं सुन रही, आज जवाब ना दे रही है, कल को गायब हो जाएगी और परसों गुम हो जाएगी और फिर तरसों ममता की तरह उसकी याददाश्त भी चली जाएगी। तो चुप कर, पर्ची ठोकना बंद कर। इच्छा की याददाश्त तो पहले से ही ना है, तू अपनी याददाश्त संभाल। देखो जी, याददाश्त कोई माचिस की तिल्ली ना है कि एक दफे जल गई सब जल गई। अरे याददाश्त तो कभी भी जा सकती है। अरे मेरी अम्मा, मैं समझ गया। अब ये बता तो इच्छा को क्यों बुला रही है, क्या काम है? बाजार से सामान मंगवाना था। सामान तो मैं भी ला दूंगा, बता क्या क्या लाना है। आहा, अभी बताती हूँ, चलो चलो। जी छोड़िए ना, फिर कोई आ जाएगा। भगवान चाहते हैं हम यहाँ यू ही रुके रहे। अच्छा, कोई आपको ऐसे देख लेगा ना तो बावला कहेगा। बोलने तो मुझे क्या दोष, तुम्हीं पर आएगा। अच्छा इच्छा, दिल की बात नहीं जाननी है तुम्हें? इच्छा, इच्छा यहाँ आओ। इच्छा, इच्छा मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा, इच्छा यहाँ आओ। इच्छा, इच्छा मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा कौन हो तुम? भुजंग, भुजंग नाम है मेरा। इच्छा धारी नाग हूँ, नागिस्तान का ये अनमोल नागमणि मेरे पास है। सालों से इस नागमणि की हिफाजत करता आया हूं, लेकिन कुछ बुरे नागों की इस पर नजर पड़ी और उन्होंने मेरा ये, अगर ये नागमणि गलत हाथों में पहुंच गया तो तबाही मच जाएगी। इच्छा लेकिन मैंने तो ऐसे नागमणि के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। ये शायद तुम्हारे जन्म से पहले की बात है। एक जमाने की बात है कि यह नागमणि नागोमी देव के चरणों में हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी चोरी हो गई। लेकिन अब वक्त आ गया है कि यह सही जगह पर पहुंच जाए।
लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? इस नागमणि को नागिस्तान पहुँचा दो, वहाँ यह सुरक्षित होगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, तुम्हारा एक फैसला और मेरी जीत। इस नागमणि को नागिस्तान पहुंचा दो इच्छा, वहां यह सुरक्षित होगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मुझे मेरी परवाह नहीं। बस ये चमत्कारी नागमणि सही जगह पहुंच जाए, उसके बाद मैं सुकून से मर पाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी में कैसे? ये मेरे अधिकारों में नहीं है। और तुम्हें इस हालात में अकेले छोड़कर मैं? मेरी चिंता मत करो इच्छा, इस एक नागमणि पर मुझ जैसे हजारों नाग कुर्बान। ये मणि नागिस्तान का गौरव है, महाशक्तिशाली है, एक पल में बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। हमें इसे बचाना ही होगा इच्छा। मैं अभी भी मुझे तुम्हारी और तुम्हारी शक्तियों पर पूरा भरोसा है इच्छा। एक तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। बस एक बार ये नागमणि मुखिया जी के हाथों में पहुंच जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा इच्छा। इच्छा ये विश्व कल्याण का काम है इच्छा, और एक जिम्मेदार नाग होने के कारण तुम्हें ये काम करना ही होगा इच्छा। ठीक है, लाइए ये मनी। गई बेचारी, अब ये मनी नागिस्तान लेके जाएगी और इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगी। जो नागिस्तान सालों से किसी ने नहीं देखा, उसे आज मैं देखूंगी और अपनी एक फुफकार से सब खत्म कर दूंगी। अब मेरी कहर से नागिस्तान का कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं क्या क्या लिख दिया टमाटर। यो क्या कर रही है छोरी, फुलाद जैसे आदमी से टकरा रही है, टूट फूट के चूर चूर हो जाती तो वो मैं तो बस यहाँ। मैं क्या कर रही है, उस बकरी की हवा तुझे भी लग गई क्या? देख छोरी, यहाँ ओलंपिक ना चल रहा है, जो इतनी तेज तेज दौड़ रही है तू। जी वो मैं, लेकिन देख छोरी, सड़क हो या गली, इंसान को संभल कर चलना चाहिए। कभी कभी मेरे जैसे बाहुबली भी घूमने निकल पड़ते हैं, समझी? जी जी। अरे छोरी देख, तेरा फोन बज रहा है। अंकल मेरा नहीं, आपका बज रहा है। मेरा? हाँ हाँ। सबल बोल। हाँ पिताजी, सारे काम छोड़ छाड़ के जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, वही बताना। ठीक है, ओके ओके ओके, चल छोरी जल्दी घर चल। अरे पर, अरे प्रॉब्लम हो गई है वहाँ, जल्दी आ। अरे प्रॉब्लम है, जल्दी आ। इस बड़ों को भी अभी बीच में आना था, मेरा काम होते होते रुक गया। ए छोरे, मुंह में दही जमा के रखा है के? जवाब क्यों नहीं देता? क्यों किया तूने इसके साथ ऐसा? कब से रो रही है बिचारी? सोखा रही है, कब से रो रही है बिचारी। रे भाई, दादी भी वही कह रही है। मुझे जाने दीजिए, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। हाय हाय अम्मा जी, आज ये कह रही है इस घर में नहीं रहना, कल को ये कहेगी इस गांव में नहीं रहना, परसों को ये कहेगी इस ग्रह पे नहीं रहना। बताओ अम्मा जी, मेरे बच्चे की गृहस्थी कैसे बसेगी? सेटेलाइट से। चुप कर अप्पू, तुझे भी तेरे पापा और चाचा की हवा लग रही है के? अरे क्या हुआ सवाल भाई, इतना अर्जेंट फोन क्यों किया था तूने? ममता दीदी को क्या हुआ? ये ममता कंबल लपेट के क्यों बैठी है? अरे पिताजी, ममता भाभी प्रबल और कंबल के बीच में कंफ्यूज हो गई, लिपटना था प्रबल से, लिपट गई कंबल से। अगर तू चुप ना हुआ ना,
तो तेरी कनपटी के नीचे हवन करा दूंगा मैं। अरे माँ तू बता ये सारा माजरा क्या है? थारे इस बावले ने ममता के साथ बदतमीजी की है। अरे ना दादी, मैं तो उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा प्रबल, अरे भाई ये सब क्या है? सजनी पिताजी, सजनी। सजनी वो फिल्म वाला गजनी और मेरी सजनी दोनों की एक ही बीमारी है ना, तो मैंने सोचा कि इलाज भी एक ही होगा। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। अरे तू सोचता क्यों है? मैं सोचा कौन? अरे एक मिनट, एक मिनट, ये गजनी है कौन? एक फिल्म डायरेक्टर है जिसकी एक हादसे में याददाश्त चली गई थी, तो सब कुछ याद रखने के लिए उसने अपने शरीर पे सब कुछ गुदवा लिया। तो पापा को लगा कि मम्मी को मुझे भी याद नहीं रहना, एक अनजान आदमी ने मुझे छू भी कैसे लिया। रे भाभी कैसी बातें कर रही हो आप? किस अनजान आदमी ने छुआ आपको? बताओ मुझे, उसकी टांगे तोड़ के आपके सामने रख दूंगा मैं। ये है वो अनजान आदमी, तोड़ इसके हाथ पैर और इसके हाथ में दे दे। दादी लेकिन ये तो उनके पति है ना? हाँ छोरा, मैं भी किसे समझा रही हूँ। प्रबल जो तूने किया है उसका एक ही इलाज है, माफी। कॉफी? अरे दादी कॉफी से याददाश्त कैसे वापस आएगी? अरे बावले मैं कॉफी नहीं माफी कह रही हूँ, माफी। कैसे बावले को जन्म दिया तूने? माँ बस तेरे ही आशीर्वाद है, एक से बढ़कर एक गहने हैं। हे भगवान। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लगता है भाभी को रोने का दौरा पड़ा है फिर से। रो लो भाभी रो लो। मुझे जाने दो, मुझे इस घर में नहीं रहना। ममता दीदी आप कहाँ जाओगे ये घर छोड़ के? ये घर आपका अपना है, ये लोग आपके अपने हैं, शब से इतना प्यार करते हैं। देखिए इसमें आपकी कितनी पुरानी यादें लिखी है। देखिए जब आप बीमार थी तो दादी ने पूरे महीने नंगे पैर चलने की मन्नत मांगी थी, और हाँ जब अप्पू पैदा हुआ था तो प्रबल भैया ने आपको अपने कंधे पर बैठा कर गाँव देवी के मंदिर ले गए थे, और शादी की पहली रात जब आपको नींद नहीं आ रही थी तो चंचल आंटी ने आपको अपनी माँ की तरह गोद में सुलाया था। अब बताओ इस चौखट के बाहर आपको इतना प्यार और इतना अपनापन कहाँ से मिलेगा? लेकिन इन्होंने जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं मानती हूँ कि प्रबल भैया का तरीका गलत था लेकिन इरादा नेक था। अरे कैसी बात कर रही है इच्छा, मेरा इरादा एकदम नेक था। फिर भी मुझे बस ममता दीदी और नहीं, चलिए आप कमरे में चलिए थोड़ा आराम करिए। मिले छोरा, यहाँ छोरा तू थोड़ा सबर रख। रबर? अरे दादी अब रबर से ना मिटेगा वो। अरे रबर नहीं मैं सबर बोल रही हूँ, सबर 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 रख। अरे दादी चिल्ला क्यों रही हो, बहरा थोड़ी ना हो। देख छोरा ममता की याददाश्त धीरे धीरे आ जाएगी, अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें उसे एक बच्चे के जैसे संभालना है। हाँ तू जरा अकल से काम ले। कल से? अरे कल से क्यों दादी, जो भी काम है आज बता दे मुझे, मैं अभी कर देता हूँ। हे भगवान मेरे लिए कोई पत्थर लावेगा मैं अपना सर फोड़ लूं। अरे माँ कौन से साइज का पत्थर लेके आना है? जितना बड़ा तू उठा सकता ना उतना बड़ा लेके आ। इतना? ये लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है। अरे ममता दीदी फिर वही बात, ऐसा तो क्या हो गया जो आप इतने परेशान हो? ये दाग देखे हैं फिर भी तुम पूछ रही हो? ये आप इनकी वजह से इतने परेशान हो? अरे दीदी ये दो पल के मेहमान हैं, यूं आए हैं यूं मिट जाएंगे। चलिए
आप अपनी आंखें बंद कीजिए। नहीं, उस लफंगे ने भी यही कहा था, फिर मैंने आंखें खोली तो। दीदी, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, आंखें बंद कीजिए ना प्लीज। खोलिए। ओह, ये तो वाकई में कैसे किया तुमने? तुम जादू जानती हो क्या? जिस सही से लिखा गया था वो जादू की थी, छोड़ गई। दीदी, स्याही जरूर झूठी थी, लेकिन प्रबल भैया का प्यार सच्चा है। चलिए अब आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। चल इच्छा, यहाँ की मुश्किल तो हल हो गई, अब जल्द से जल्द इस मनी को नागिस्तान पहुंचाना है। काश ऐसी भी कोई मनी होती जो मेरे मन की बात आप तक पहुंचा पाती। इच्छा, तुम बिना बोले इतना कुछ बोल जाती हो, जो तुम्हारे दिल में है अपने आप मुझ तक पहुंच जाता है। क्या है जज, मौका मिलाने के शुरू हो गए। वैसे एक बात बताओ, ये गिरने पड़ने का हुनर आप में बचपन से है या अभी अभी इच्छा की संगत में रहकर डेवलप हुआ है? तेरी तो मैं अप्पू। वैसे चाचू, अगर आपकी डेली एक्सरसाइज हो गई हो तो दादी आप दोनों को बुला रही है अभी। भाई, आज आपके सारे पैर छूटे पड़ रहे हैं, कुश्ती उश्ती का मन ना है क्या आपका? अरे ना छोटे, तेरी भाभी की चिंता हो रही है मने। क्या हुआ भाभी को? मायके वायके गई है के? अरे फिर भूल गया तू? उसकी याददाश्त चली गई है, ना तो वो मने पहचान रही है और ना अप्पू को। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते है? नहीं, एक आइडिया है मेरे पास। A1 आइडिया भाई, A1 आइडिया। अरे सुन तो ले पहले। ए भाई, आइडिया किसका है? आपका तो एवा नहीं होगा ना। चलो फिर भी बोलो बोलो बोलो। छोटे, 10 साल पहले जब मैं और ममता पहली बार मिले थे ना, घना रोमांटिक माहौल था, पीछे दाग लगी हुई थी। ए भाई, कुर्ता उर्ता धुलवा के ना पहना था क्या आपने? अरे दाग पिक्चर लगी हुई थी, राजेश खन्ना वाली, और वो गाना चल रहा था, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अरे आप बोलो, हम कब बारात लेके आए? फिर क्या हुआ भाई? चाय गिर गई। यहाँ चाय गिरी और वहां हम दोनों की विकेट गिरी। क्या बात है भाई। छोटे, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम फिर से वही हादसा ममता के सामने वैसे ही पेश करें तो ममता की याददाश्त वापस आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है भाई, लेकिन भाई इस नाटक में ममता भाभी का रोल कौन करेगा? अब तू, मैं तो बन ना सकता, मैं ही रहूंगा, तू ममता का रोल कर ले। भाई साड़ी पहननी पड़ेगी, पिताजी बहुत मारेंगे मने। मैं नहीं। हारेंगे
अरे जो मेरी लड़ाई है पिताजी कैसे हारेंगे? अरे मैं हारेंगे ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं साड़ी पहनूंगा तो पिताजी मन्ने मारेंगे। अरे ना छोटे, तू मेरे लिए थोड़ी सी मार ना खा सकता? अरे आज तू मेरे लिए थोड़ी सी मार खाएगा तो जिंदगी भर तुझे तेरी भाभी के हाथ की रोटी भी तो खाने को मिलेंगी। छोटे मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। भाई ब्लाउज बड़ा सिलवाएंगे हम, आ जाओ। छोटे प्लान याद है ना? हाँ। जैसी ममता आएगी मैं गाना बजाऊंगा, तू चाय लेके आइयो और मेरे ऊपर गिरा दियो। अरे वो सब ठीक है भाई, पहले आप ये बताओ कि मैं कैसा लग रही हूँ? घना सोड़ा लग रहा है तू। अपो पिताजी आ गए। अरे अप्पू मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ है तू? अबर कौन है ये मोहतरमा? अम्मा जी की सहेली है पिताजी। अम्मा जी की सहेली? चंचल की सारी सहेलियों को तो मैंने अच्छे से ताड़ रखा है, इस पर क्यों नहीं पड़ी आज तक मेरी नजर? लगता है मार्केट में नया मोड डला है। जी क्या नाम है जी आपका? पिताजी क्या कर रहे हो, अम्मा जी की सहेली है। जब तो हम उम्र आपस में बात कर रहे हो ना तो बच्चों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जी मैं विश्व प्रसिद्ध पहलवान खड़क प्रताप सिंह, हैवी वेट चैंपियन। मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप भी अपना परिचय दे दो। हमसे क्या शर्माना, हम तो आपकी सहेली के पति हैं। अम्मा जी आ गई। चंचल 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 लो जी आपकी सहेली आ गई, आप उसके साथ बातें ठोको, मैं तब तक अपनी खुराक लेकर आता हूँ। बाल बाल बच गए। ममता आ रही है, तू जल्दी से चाय लेके आ, मैं गाना बजाता हूँ। ठीक है। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे चाहे तो मैं बता दूं। लगता है चंचल चली गई। लो जी मैं आ गया नए उत्साह और नए जोश के साथ, अब अपना चेहरा दिखा दो। ये क्या किया आपने? खड़क प्रताप सिंह के कपड़ों पे चाय गिरा दी। अगर आप चंचल की सहेली ना होती। क्या कर रहा हूं मैं? मोहतरमा देखिए आपने गुस्ताखी करी है, इसकी सजा मिलेगी आपको, बरोबर मिलेगी। और सजा है कि आप अपना ये चेहरा दिखाओ। सबल तू इतना बड़ा भुलक्कड़ हो गया कि भूल गया तू एक मर्द है। अरे ना पिताजी, बचपन में लाल किताब में लिख लिया था मैंने, रोज सुबह उठ के पढ़ता हूँ कि मैं मर्द हूँ। अरे भाई ये सब नौटंकी के हैं। पिताजी ये सब हम ममता की याददाश्त वापस लाने के लिए कर रहे थे। कौन कहता आपसे ये सब करने के लिए? प्लीज मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए, मुझे कुछ याद नहीं करना। आप मुझ पर रिश्ते लादने की जितनी कोशिश करते हो उतनी ज्यादा तकलीफ होती है मुझे, अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए।
दीदी भाई अपना प्लान तो फेल हो गया ना छोटे अपना प्लान फेल हो गया बात तो तू सही कह रही है छोरी लेकिन ये काम मने घना मुश्किल लागे है दादी अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी अब आप एक बात बताइए आपके लिए ममता दीदी ज्यादा मायने रखती हैं या उनका गुजरा हुआ कल ममता हाँ तो याद नहीं बन जाएंगी और रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे दादी डॉक्टर ने वैसे भी कहा है कि ममता दीदी के दिमाग पे ज्यादा जोर देना सही नहीं है उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा है तो हम ये सब क्यों करें जब तक ममता दीदी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती हम उन्हें ऐसे ही खुश रखेंगे ठीक है लेकिन वो बावले प्रबल और सबल को भी तो समझाना पड़ेगा रे पिताजी के हो गया बड़ी टेंशन में लग रहे हो आप अप्पू के एग्जाम में मार्क्स कम आए के अरे आप छोड़ो वो सब अब हर कोई हम दोनों की तरह होशियार तो हो नहीं सकता ना अप्पू अगली बार ले आएगा अच्छे मार्क्स अरे छोरे यो सन्नाटा एग्जाम के रिजल्ट का ना है यो सन्नाटा तो हम तो कुछ ना दादी आपने बुलाया हाँ छोरे आ बैठ मारे पास बोलिए तो एक मारा काम करेगी हाँ बोलिए दादी ममता को शादी के लिए राजी करवाना है अरे दादी क्या बात कर रही हो मेरे होते हुए ममता की दूसरी शादी करवाओगी आप अरे चुप कर ममता की शादी किसी और के साथ ना हो रही है थारे साथ ही हो रही है अरे लेकिन दादी जहां तक मुझे याद है इन दोनों की शादी पहले हो चुकी है ओए 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 तुझे याद है हम सब तो भूल गए लाल किताब मंगवा दूं सबके लिए एक साथ मंगाने में डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा अरे पिताजी सुन तो लीजिए दादी कुछ कह रही है सुन तो लो देख छोरी मैं ममता को अच्छी तरीके से जानू वो बहुत ही जिद्दी छोरी है एक बार उसने मन में ठान ली कि इस घर में ना रहेगी तो मतलब ना रहेगी उसे इस घर में रोकने के लिए मैंने शादी वाली तरकीब सोची है दादी तरकीब तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं मेरा मतलब है घर में आप सब बड़ों के होते हुए दीदी को मैं कैसे ममता तेरी हर बात मानती है तुझे नाना कहेगी लेकिन दादी अब लेकिन लेकिन कुछ नहीं जब तक तू ममता से हाँ ना कहलवा देती तू इस घर के बाहर जावेगी नहीं हे नागोमी देव ये कैसा धर्म संकट है मुझे नागमनी पहुंचाने जाना है और दादी ने मुझे यहाँ ए छोरी क्या सोच रही है अब तू ही है जो प्रबल ममता की शादी बचा सकती है बच्चा अरे दादी बच्चा ना भी होगा ना तो भी कोई टेंशन ना है अपना अप्पू 10 बच्चों के बराबर है अरे माँ तू एक काम कर ममता को जाने दे वो इसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी अरे खड़क अंकल ऐसा मत बोलिए इनका रिश्ता सलामत था और हमेशा सलामत रहेगा दादी मैं पूरी कोशिश करूंगी ममता दीदी को मनाने की बस तूने हाँ कर दी मैंने तसल्ली हो गई ममता दीदी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ किसका प्रबल भैया है ना मुझे उस लफंगे के बारे में कुछ भी नहीं सुनना वो लफंगे नहीं है भाभी भाभी मैं किसी की भाभी वाभी नहीं हूँ इनका मतलब है होने वाली भाभी प्रबल भैया है ना वो आपसे शादी करना चाहते हैं शादी और उससे कभी नहीं क्यों ममता दीदी प्रबल भैया बहुत अच्छे इंसान है बहुत शरीफ है और औरतों की बहुत इज्जत भी करते हैं वो मैंने देख लिया है
अरे दीदी, मैंने कहा ना, वो सब तो भूली बातें याद दिलाने के लिए किया। मेरा यकीन मानिए, प्यार आपसे बहुत करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। खड़े क्या हो? मदद करने आए हो ना? हाँ। तो कुछ बोलो ना। देखिए, आपके लिए प्रबल भैया से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो परख के देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं कुछ सवालों के जवाब दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। कितने पढ़े लिखे हैं आपके भाई? गांव के स्कूल में इतनी कक्षाएं नहीं है, इतनी प्रबल भैया ने पास की है। अच्छा, करते क्या है? पहलवानी करते हैं। पूरे रोहतक में उनकी बराबरी करने वाला पहलवान यही नहीं है। कोई बुरी आदत? नहीं नहीं नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। नहीं कैसे? एक बुरी आदत तो है ना। क्या? सामने वाला करे या ना करे, लेकिन वो सबसे प्यार करते हैं। ये हमारे खून में है। इस काम के लिए वो करे। हाँ दीदी, कोई पसंद ना पसंद क्या फर्क पड़ता है? एक बार शादी हो जाने दो, सब आपके पसंद से ही चलेगा। हाँ दीदी, लड़का बहुत अच्छा है, घर और घर के लोग वो भी बहुत अच्छे हैं, ना करने की कोई वजह ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, है ना दीदी? तो रिश्ता पक्का? नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। क्यों? लड़का अच्छा है पर भरोसे के लायक नहीं है। क्यों दीदी? आज ताऊ में आकर मेरे हाथ गोद दिए, शादी के बाद मेरा पूरा शरीर गोद देगा। मेरा फैसला अटल है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे तो लगा था ममता दीदी मान जाएंगी, लेकिन पता नहीं वो ऐ वक्त। अरे इच्छा, तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो, ऐसी होती हो तुम। मैं नारियल को बिना फोड़े बोल सकता हूँ उसमें कितना पानी है। मैं भैंस को देखकर बोल सकता हूँ वो कितना दूध देगी। मुर्गी को देखकर बोल सकता हूँ वो अंडा कब देगी। लेकिन किसी लड़की का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल जानना नामुमकिन, नामुमकिन। बस बस बब्बल जी, ज्यादा नौटंकी मत करिए। नौटंकी? नौटंकी मैं नहीं, तुम लोग करते हो यार। चेहरे में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, और जुबान पे कुछ और ही होता है। अरे जो दिल में है वो बोल दो ना, तुम भी खुश, सामने वाला भी खुश। आपको कैसे पता हमारे दिल में क्या होता है? लड़का हूं मैं अच्छा, किताबें पढ़ने से पहले आंखें पढ़ना सीखा है मैंने। इतना क्यों शर्मा रही हो, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बब्बल जी मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। मुझसे भी जरूरी काम है तुम्हारी लाइफ में। हाँ इच्छा, तुम्हें जितना छुपाना है छुपा, लेकिन तुम्हारी आंखें ना बहुत कुछ कह जाती है। इस खड़क ने बीच में आके मेरे पूरे इरादों पर पानी फेर दिया। अगर वो बीच में नहीं आया होता तब तक मैं नागिस्तान पहुंच गई। ज्यादा देर रुकने में खतरा है, किसी ने इस मनी को देख लिया या किसी गलत हाथ में पड़ गया तो। नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस मनी को नागिस्तान पहुंचाना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को साथ लेकर यहाँ नहीं रुक सकती। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बुलंदी पर है। मन में मुराद आई नहीं की पूरी हो गई। अब तो विशैली के सिर्फ दो लक्ष्य, एक नागिस्तान का पता
और दूसरा मौका मिलते ही इच्छा का खात्मा। नागिस्तान यही कहीं आसपास। आगे बढ़ती रहो इच्छा, एक बार नागिस्तान का द्वार मेरे लिए खुल जाए, वहां अंदर पहुंच के मैं ऐसी तबाही मचाऊंगी तुम सबके होश उड़ा दूंगी। कौन हो तुम और किस देश से आई हो? जहां तक मेरा अभ्यास है तुम विशैलगढ़ की रहने वाली हो और नागिस्तान की खोज में निकली हो। लेकिन विशैलगढ़ के नाग ना कभी नागिस्तान पहुंच पाए हैं और ना कभी पहुंच पाएंगे। तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। अपनी अपनी दुनिया में सब खुशी से रहे, इसी में सबकी भलाई है। आज तुमने इच्छा को गुमराह किया है। तुम्हारा इरादा यकीनन नेक नहीं था, फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं क्योंकि हम शांति प्रिय नाग हैं और मारकाट में विश्वास नहीं करते हैं। जाओ यहां से। लेकिन इस एहसान को हमेशा याद रखना। हाँ, एक बात और, किसी भी गुनाह के लिए माफी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। इसीलिए आइंदा ये गलती मत करना। जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। मुखिया जी सावधान। देखो, भागने न पाए, पकड़ो उसे। कहाँ गई वो? उसे एक पल में गायब हो गई। जरूर उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया होगा। कहाँ गई वो? पता नहीं मुखिया जी, कहीं गायब हो गई। इच्छा बेटी, तू ठीक तो है ना? जी। इच्छा, आज तुमने मेरी जान बचाकर जो मुझ पे एहसान किया है। मुखिया जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नागिस्तान के हर संस्कार मैंने आपसे सीखे हैं। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और बेटी कभी अपने पिता पर एहसान नहीं करती। परंतु तुम प्रशंसा के काबिल तो हो ही। अच्छा किया जो तुमने हमें पहले से ही आगाह कर दिया था। अगर आज विशैलगढ़ की वो नागिन नागिस्तान पहुंच जाती तो कयामत ही आ जाती। असल में तो मुझे शक तब भी हो गया था जब वो नाग मुझे मणि देने आया था, और मुझे यकीन था कि नाग मणि जैसे बड़ी बात आप मुझसे छुपा ही नहीं सकते, इसलिए मैंने वाकू के जरिए माँ से बात की। और माँ ने तुमसे कहा होगा कि ऐसी कोई नाग मणि कभी चोरी नहीं हुई थी? हाँ, और जब मुझे यकीन हो गया कि ये किसी की चाल थी, तो उसे जानने के लिए और उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने ये चाल चली।
लेकिन आखिर में वो भाग ही गई। चलो कोई बात नहीं, हम सब सुरक्षित हैं, हमारा नागिस्तान सुरक्षित है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुखिया जी, ये नागमणि आप रखिए, ये आपके पास सुरक्षित होगा। अच्छा बेटी, अब नागिस्तान चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं पिताजी, मुझे घर जाना है, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और वैसे भी वहाँ अखाड़े में हर रोज नए बखेड़े होते रहते हैं। चलती हूँ। अच्छा बेटा। अरे ममता, तू यहाँ बैठी है, ले बिस्कुट खा, मारा प्रबल लाया है। ए छोरी, मारा प्रबल इतना बुरा भी ना है, अरे तू जानती नहीं है वो तुझसे कितना प्रेम करे, एक बार तू उसके साथ शादी कर ले। दादी जी, शादी करना ड्रेस के ट्रायल लेने जैसा नहीं है, एक बार पहन लिया पसंद नहीं आए तो उतार दिया, एक बार शादी कर ली तो जिंदगी भर साथ निभाना पड़ता है। अरे छोरी, तुम्हारा प्रबल भी निभाएगा ना। लेकिन दादी जी, मुझे उससे शादी नहीं करनी, एक नंबर का वाहियात इंसान है। नमस्ते दादी। नमस्ते ममता। क्या छोरा? दादी मंदिर जा रहा हूँ। जा रहा भगवान है, क्या बोली दादी? ना ना कुछ नहीं, के दिन आ गए हमारे छोरे के, अखाड़ा छोड़ के मंदिर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। चक्कर ना है दादी मेरी किसी से भी, मैं तो बस भगवान से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। अरे भाई, अगर ऐसा है ना तो मुझे आप अपने साथ ले जाओ। देखो आप सुनते हो थोड़ा ऊंचा, भगवान आपके सवालों के जवाब देगा, आपको सुनाई ना दिए तो। भगवान बोल के जवाब ना देते तो क्या लिख के देते हैं दादी? अरे बावले, भगवान के सामने सच्चे दिल से हाथ जोड़ो तो वो आपको आशीर्वाद भी देते, आपकी बात भी सुनते और आपकी सारी मुश्किलें हल भी करते। जा छोरा, तू मंदिर जा। दादी, अकेले जाऊं के? ये तू आ क्यों मार रहा है? दादी, मैंने बोला था ना, एक नंबर का लफंगा है ये। अरे नाना भाभी, भाई आंख ना मार रहे, भाई की आंख में तो कचरा पड़ा है, कचरा। अरे कचरा कहाँ पड़ा है मेरी आंख में? अरे कचरा पड़ा है, मैं कह रहा हूँ कचरा पड़ा है। अरे कचरा कहाँ पड़ा है मेरी आंख में? देख, कचरा मत करो, मैं कह रहा हूँ कचरा पड़ा है तो कचरा पड़ा है। अरे कचरा ना है, देख अगर कचरा। अरे भैया, आपको आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो बस। अरे आप जो भी आंख मारने लग गया, अरे आपकी भली के लिए आंख मार रहे। अरे भले के लिए थोड़ी ना कोई आग मारता है। तो आप क्यों मर रहे थे? अरे मैं भी भूल गया, ममता मैं क्यों आग मार रहा था? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ए चोरी, तू भी आग मार रही है? हे भगवान, लगता है आग मारना भी छूत की बीमारी है। तू ये सब सोचना छोड़ दे और जो मैं कहती हूँ वो तू सुन। तू प्रबल के साथ मंदिर चली जा, राम जी सब जानते हैं, जो तेरे मन में है वो भी और जो तेरी किस्मत में वो भी। जा छोरा मंदिर जा, चल चल ममता के साथ मंदिर हो या। अरे माँ, अच्छा किया जो तूने भेज दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे रे विशैली, लगता है आपको तो बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास विशैलगढ़ की खास दवा है, लगा दूं आराम आ जाएगा। नहीं, इस घाव को खुला ही रहने दो, ऐसे तो ये घाव नासूर बन जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा है, जितना दर्द बढ़ेगा इच्छा से बदला लेने की चाहत में ही उतनी ही बढ़ेगी। इतना बड़ा खेल, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। इच्छा अपना दांव लगा चुकी है, अब मैं अपना दांव लगाऊंगी, और जब विशैली अपना दांव लगाती है, ना इच्छा रहेगी
ना उसका घमंड। आप क्या करने वाली हो? मैं कुछ नहीं करूंगी। अब जो कुछ करेगा बुद्धिराज करेगा। बुद्धिराज? हाँ बुद्धिराज। इंसान अपने पैरों से कम और अपने दिमाग से ज्यादा चलता है, और इंसान के उसी दिमाग पर राज करता है ये बुद्धिराज। शैली तो आज अचानक बुद्धिराज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्यों नहीं, जरूर, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं।